सुप्रभात मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मेरा नाम मनोज मेहरा है और मेरा चैनल जो कि यूट्यूब पर आता है उसका नाम योग और निरोग है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार विभिन्न बीमारियों का इलाज हम योग द्वारा कर सकते हैं, जिनका किसी भी पैथी में, एलोपैथी में, आयुर्वेदिक में, होम्योपैथी में इलाज संभव नहीं है। आज मैं आपको किसी बीमारी के बारे में बात तो नहीं करने वाला हूँ, परंतु एक जनरल सी बात करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ इस प्रकार का रिजल्ट निकल के आ रहा है। कुछ पूछते हैं, भाई मुझे योग क्यों करना चाहिए, क्या मैं तो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति हूँ, मुझे भी योग करना चाहिए? क्योंकि आप देखते हैं आजकल हर गली मोहल्ले में योग हो रहा है, टीवी चलाते हैं, रेडियो चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, सभी यह योग की धूम मची हुई है, सभी योग के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो कुछ लोग बात पूछते हैं, कुछ के कमेंट्स ऐसे ही होते हैं, भाई मुझे योग क्यों करना चाहिए, मैं तो किसान आदमी हूं, मैं सारा दिन काम करता हूं, मेहनत मजदूरी करता हूं, क्या मुझे योग करना चाहिए? कुछ कहते हैं, मैं तो सुबह रोज घूमने जाता हूं, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी मन करता है गली में मोहल्ले में योग की क्लास चल रही, मैं वहां बैठ जाऊं, क्या मुझे योग करना चाहिए, क्या मुझे योग से लाभ होगा? कुछ बीमार व्यक्ति कहते हैं, कभी मेरा तो ऑपरेशन हुआ है, क्या मुझे योग करना चाहिए, मुझे तो योग नुकसान दे जाएगा। तो ऐसे बहुत से प्रश्न मन में उठते हैं, इन्हीं के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं कि क्या आप सभी को योग करना चाहिए, किन व्यक्तियों को योग करना चाहिए, किन व्यक्ति को योग नहीं करना चाहिए, योग करने से आवश्यकता क्या है, क्या योग करने से हमें कुछ लाभ हो सकता है, क्या योग करने से हानियां भी हो सकती हैं। इस प्रकार के सैकड़ों सवाल हैं जो कि मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, वार्तालाप करना चाहता हूं, आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि मैं योग के बारे में बात करता हूं हमेशा, योग के द्वारा विभिन्न बीमारियों का इलाज करता हूं, तो यदि आपको किसी भी बीमारी की वीडियो को देखकर लाभ होता है तो उस वीडियो को कृपया करके शेयर जरूर करें, ताकि जो लोग किसी भी समस्या से पीड़ित है उनको भी अगर वो वीडियो देखकर कुछ लाभ हो जाए तो हम सभी का ही फायदा है। और लाइक कर दिया करें वीडियो को, तो मुझे लगता है कि शायद इस वीडियो को बनाने में मैंने जो प्रयास किया है, जो मैंने मेहनत की है, वो अच्छी सही रास्ते पे सही दिशा में की है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें आप, तो जो रेगुलर अपडेट मेरे चैनल पे वीडियो होते रहते हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है। कॉर्नर में रेड कलर का बटन आता है, उसके ऊपर लिखा होता है सब्सक्राइब हियर, उसके ऊपर आप क्लिक करें, एक बराबर में बेल का आइकन आता है उसको भी आप क्लिक करें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, आज के तारीख में, आज के युग में, आज के समय में हम सभी को योग करना परम आवश्यक है, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है, और जब मैं आपको बताऊंगा तो आप सभी भी मानने लगेंगे कि जब हम प्रातः काल में उठते हैं, सुबह आंख खोलते हैं, तो हमें ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, तभी से हमारे शरीर में मिलावट जानी प्रारंभ हो जाती है। आप यह तो मानेंगे ही कि जो भी हम आजकल सांस ले रहे हैं वह भी हमें साफ सुथरी नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन भी हमें बिल्कुल साफ नहीं मिल रही है, फैक्ट्रियों का धुआं, व्हीकल्स का धुआं, गाड़ियों का धुआं, ट्रेन का धुआं, मोटरसाइकिल का धुआं, सभी हमारे जो शुद्ध वायु हमारे सांस में लेने के लिए आवश्यक थी उसको प्रदूषित कर रहे हैं। तो हमारी जो सबसे पहले आवश्यक चीज हुई प्राणवायु, वो भी प्रदूषित हो चुकी है, और जो प्रदूषित वायु में हम सांस लेंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां तो उत्पन्न होंगी ही। तो अतः हमें इस बात का सबसे पहले विचार करना पड़ेगा, क्या हम प्रदूषित वायु में सांस ले रहे हैं, तो हमें क्या हमें प्राणायाम करना चाहिए। नंबर दो पे हमें जल पीना होता है, तो जल के बारे में भी यदि हम विचार करें तो जल भी हमें शुद्ध नहीं मिल रहा है, यह भी पक्का आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, जल भी मिलावटी मिल रहा है, जमीन का भूगर्भ का जो जल है वो तक मिलावटी हो चुका है। हम आरओ का पानी पीते हैं पानी को शुद्ध करने चक्कर में, वो भी हमें फायदा नहीं देता है, उसके अंदर से सारे मिनरल और सारे विटामिन दूर कर लिए जाते हैं और हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है, हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है। और भी पानी में बहुत सारी अशुद्धियां घुल चुकी हैं, आर्सेनिक की, कैडमियम की और लेड की, बहुत भयंकर अशुद्धियां ये जल के अंदर हैं, जो हमारे शरीर में कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां तक उत्पन्न कर पाती हैं। और हम प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो ये जो
समस्याएं हमारे शरीर में, ये जो अशुद्धियां हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं, ये दूर की जा सकती हैं। उसके पश्चात हम भोजन लेते हैं, और भोजन का तो आपको पता है सबसे बुरा हाल है। जहां पर भी भोजन पैदा हो रहा है उसके अंदर सारा इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। लौकी में रात को इंजेक्शन लगाते हैं, सुबह को बहुत बड़ी हो जाती है। दवाइयां डालते हैं खेत में ताकि हमारी फसल किसान भाइयों को तैयार हो जाए, उनको अधिकतम मुनाफा हो। वो यह नहीं सोचते हैं कि वो जो हम सब्जियां शुद्ध फल बाजार में बेचने जा रहे हैं उसमें हम कितना जहर मिला रहे हैं और कितनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह भी आपको पता ही है कि सारा खाना हमारा प्रदूषित हो चुका है, सभी में जहर की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि हमारा शरीर टक्कर लेते लेते उस प्रदूषित खाने से बीमारियों की जड़ में गहराता जा रहा है। और आपको यह मानना भी पड़ेगा कि इस समय बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, डॉक्टर के यहाँ रोज जाना पड़ता है। सभी हमारे अशुद्धियों के कारण, हमारे प्रदूषण के कारण जो हमारे शरीर में लगातार जहर प्रवेश कर रहा है उसके कारण बढ़ता ही जा रहा है। हमारा भोजन प्रदूषित, हमारा जल प्रदूषित, हमारी वायु प्रदूषित, और तो और हम अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स खाते हैं उसको भी जहर डालकर बनाया जा रहा है, उसके अंदर से तेल निकाल लिया जा रहा है। हम जो खा रहे हैं उसके अंदर कोई विटामिन मिनरल नहीं बचता है। बादाम चाय खा लें, चाहे काजू खा लें, चाहे किशमिश खा लें, चाहे मुनक्का खा लें, कुछ भी खा लें, उसमें हमारे स्वास्थ्य के लिए काम लाभदायक कोई भी चीज नहीं होती है। और इससे भी बड़ी बात, जो बाजार का पैकेज्ड फूड आ रहा है, एक तो उसको रोकने के लिए इसके अंदर वो जहरीले मिनरल्स लगाते हैं, जहरीले केमिकल्स लगाते हैं, वो हमारे शरीर में जाते हैं। दूसरा, वो कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। आजकल टीवी पर बहुत सारी वीडियो, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आती दिखाई दे रहती हैं, बड़े बड़े पिज्जा और बर्गर बनाने वाली कंपनियों की रसोईयों में कोई साफ सफाई नहीं होती है। हमारी शादियां, जहां पे हम लाखों रुपए की शादियां खर्च करते हैं, 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए लगाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर स्टॉल लगे हुए होते हैं, और हम वहां पर जाकर खाते हैं ऊटपटांग चीजें। ऊटपटांग तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें सब में प्रदूषण घुस चुका है। यदि हम वहां पर जाएं जहां पर वो खाना निर्माण किया जा रहा है, तो दिखाई देता है रसोई में उनके बैंकेट हॉल की खाना बनाने वाली जगह पर कोई साफ सफाई नहीं होती है। बीड़ी पी रहे हैं लोग बाग, गुटखे खा रहे हैं लोग बाग, नहाए नहीं है, 4-4 दिन से उनके पास टाइम नहीं है, और वो खाना बना रहे हैं, और अच्छे रसगुल्ले, मिठाइयाँ, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, डोसे, गोलगप्पे, सभी चीजें वो बना रहे हैं, लेकिन उनमें कहीं से कहीं भी शुद्धता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। चप्पल जूते पहने वही कारीगर मिठाइयां बना रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है इस बात को देखकर किस कदर का हालात आ चुका है। और हम अब भी पूछ रहे हैं कि हमें प्राणायाम करना चाहिए, क्या हमें योग करना चाहिए, जबकि हमें पता है कि हमें स्वास्थ्य नहीं है, हमारे शरीर की आयु इतनी गिर चुकी है कि हमें 30-35 साल से ही परमानेंटली दवाइयां लेनी पड़ रही है। कोई थायराइड की गोली खा रहा है, कोई बीपी की गोली खा रहा है, कोई शुगर की गोली खा रहा है, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं, और 40 साल में हार्ट अटैक से आजकल का इंसान मरा जा रहा है। कोई भी जिंदगी ऐसी नहीं जी पा रहे जो बिना दवाइयों के ना जी पा रहे हैं, और दवाइयों के साथ भी हम स्वस्थ है लाभ नहीं कर पा रहे हैं, दवाइयां खाने के बाद भी हम बीमार पड़े हुए हैं। तो हमें गहराई से विचार करना ही पड़ेगा, क्या इतने प्रदूषण की चीजों में, क्या इतने गलत खान पान की चीजों में हमें प्राणायाम नहीं करना पड़ेगा। यह बहुत विचारणीय प्रश्न है दोस्तों, और यह अत्यंत रिजल्ट या निष्कर्ष निकल चुका है कि बिना प्राणायाम के आज के जीवन में हमारा जीवन स्वास्थ्य के साथ संभव नहीं है। अगली बात करता हूँ, दूध पीते हैं हम अपने स्वास्थ्य बनाने के लिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं, सभी बच्चों को दूध पिलाया जाता है, पर आपको यह गहराई से सोचना होगा, दूध जो पी रहे हैं हमारे जो जानवर चारा खा रहे हैं उसमें प्रदूषण, उसमें जहर की मात्रा इतनी मिल चुकी है, उसमें कोराजन जैसी जहरी फटेरा जैसी दवाइयां डाली जा रही है। मैं किसी दवाई का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच में दोस्तों उन दवाइयों की कंपनियों का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें सोचना पड़ेगा कि वही जहरीला दूध जो चारा वो भैंस और गाय वो खा रही है उसी के द्वारा निर्मित जो जहरीला होने के बाद हमारे घर में आ रहा है। और जब दूध कोई भी जानवर भैंस या गाय या बकरी भेड़ दूध नहीं दे पाती हैं, तो उनको हम जहरीला इंजेक्शन भी लगाते हैं ऑक्सीटोसिन का। भले ही वो प्रतिबंधित किया जा चुका है भारत में, परंतु वो खुले चोरी छिपे वो आज भी लगाया जाता है, और वो जहर की मात्रा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो क्या आप यह मान सकते हैं कि दूध हमारे शरीर को कुछ लाभ दे रहा है? नहीं दोस्तों, यह टोटली जहर का सप्लाई हो रही है। और तो आजकल तो दूध बन रहा है यूरिया से, और पता नहीं क्या क्या उसमें डालडा, रिफाइंड घी और पता नहीं क्या क्या डाल के जहरीला दूध बना के आपके घरों में परोसा जा रहा है, जो कि 110% आपको लाभ तो नहीं दे रहा है, नुकसान ही दे रहा है। हम गहराई से विचार करें, हम बीमार क्यों पड़े हैं, तो हमें सब कुछ पता चलता है। और वैसे तो आज जल जानकारी का युग है, फेसबुक, व्हाट्सएप,
का युग है। हम सभी को पता है कि हमारे स्वास्थ्य के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ आवाज तो नहीं उठा पा रहे हैं, परंतु अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा तो हम ले ही सकते हैं और लेना ही पड़ेगा अगर हमें स्वस्थ जीवन जीना है। बिना योग और प्राणायाम के आज की तारीख में हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, यह मैं पक्का गारंटी से आपको कह रहा हूँ। नहीं आप समझ पा रहे हैं तो अपने आसपास निगाह उठा के देख लें, गहराई से सोच के देख लें क्यों हम सभी बीमार पड़े हैं। और अभी मैं शादियों की बात कर रहा था दोस्तों, शादियों के बारे में बात करता हूँ। हमें खाने पीने का ज्ञान ही नहीं है। हम शादियों में जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, गर्म चीज खाते हैं, ठंडी चीज खाते हैं, एक साथ ही खाते चले जाते हैं। हम ध्यान ही नहीं रखते हैं क्या हमें खाना चाहिए। शादियाँ हमारी रात को 9 बजे 10 बजे जाके होती हैं, तो हम सूर्यास्त के कितनी देर बाद खाना खाते हैं, तो हम बीमार क्यों नहीं पड़ेंगे दोस्तों? बीमार तो हमें पड़ना ही पड़ेगा, और बीमार पड़ेंगे तो हमें दवाइयों से इलाज भी नहीं मिल रहा है। किसी भी पैथी में आजकल कोई भी जड़ से बीमारी दूर नहीं की जा रही है, बस दवाई खा रहे हैं, जी रहे हैं, अपनी जिंदगी के दिनों को खींच रहे हैं। तो दोस्तों मैं इसीलिए आपको इतनी सारी बातें बताता चला जा रहा हूँ कि कृपया ध्यान दें, गहराई से सोचें। एक बार रात को सोते हुए 2 मिनट के लिए सोचें, क्या वास्तव में हमें योग और प्राणायाम करना चाहिए? यदि हम जीवन को निश्चिंतता के साथ, जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं, तो हमें योग और प्राणायाम जरूर करना होगा। दोस्तों जितनी भी मैंने बातें बताई हैं, ये भी सभी बातें नहीं बता पा रहा हूँ, इसके अलावा भी सारे कारण आजकल हजारों लाखों कारण मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हम सभी बीमार होते जा रहे हैं, पूरा समाज बीमार पड़ा है, और दवाइयां खाने के बाद भी उसको हम सही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको गहराई से सोचें और प्रतिदिन योग और प्राणायाम करें। रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठें, 1 से 1.5 घंटा योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। अपने शरीर में जितना भी टॉक्सिन, जितनी भी दिक्कतें, जितनी भी बीमारियां पूरे दिन इकट्ठा हो पाती हैं, उनको सुबह सुबह अपने शरीर से दूर कर लें। जितना भी आप सुबह प्रयास करेंगे, उतना ही आपका शरीर दिन में निर्मल रहेगा, एनर्जी से भरपूर रहेगा, ऊर्जा से भरपूर रहेगा, आपकी समस्याएं दूर होंगी, सारी बीमारियां दूर होंगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका पैसा बचेगा जो डॉक्टर्स के पास जाता है, आपका समय बचेगा जो आप बीमार होने के बाद घर पे पड़े रहते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आपके शरीर में इतनी ज्यादा ऊर्जा होगी कि आप अधिक काम कर पाएंगे, आप हर तरह से काम करते थकेंगे नहीं। दोस्तों करके देखिए, प्राणायाम और योगाभ्यास शुरुआत करके देखिए। आप यदि घूमने जाते हैं तो मेरे कहने से 2-3 दिन योगाभ्यास प्राणायाम करिए। आप यदि कुछ भी खेती करते हैं, मजदूर हैं, आप कोई भी लेबर का काम करते हैं, तो आपको लगता है आपको योग और प्राणायाम नहीं करना चाहिए, आपको लाभ नहीं होगा, परंतु मेरे एक बार हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है, करके देखिए एक बार, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये तो मैंने शारीरिक बीमारियां दूर करने की बात बताई, लेकिन यदि योग और प्राणायाम करते हैं दोस्तों, तो आपको मानसिक लाभ बहुत होगा, आपको आध्यात्मिक लाभ बहुत होगा, आपकी दिमाग की थकान, आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, और जो हमें एक आत्मिक सुकून मिलता है, अंदर से जो शांति मिलती है, एक अंदर जो ऊर्जा का उत्पत्ति बढ़ती है, वो भी आपको अनुभव होगा दोस्तों। तो प्लीज कृपया करके योग और प्राणायाम 1 सप्ताह के लिए मेरे कहने से कर लें, और फिर अनुभव कीजिए आपके जीवन में कितने सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, शारीरिक तल पर भी, मानसिक तल पर भी। आशा करता हूँ दोस्तों आप सारी बातें समझ गए होंगे। कुछ भी मन में यदि शंका हो, यदि कुछ भी पूछना चाहते हो, या योग करते हुए कुछ सावधानियां रखनी होती हैं वो आप जानना चाहते हो, योग के बारे में और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कुछ भी मैसेज सेंड करें, मेरे यूट्यूब के चैनल के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर कमेंट करें, या चाहे तो आप कॉल कर लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा डिटेल दी हुई है, आप चाहे जैसे कनेक्ट कर लें, चाहे जो मेरे से पूछ लें, मैं उसके लिए हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमने यह संकल्प लिया है पूरे राष्ट्र को निरोग बनाना है, हर घर में योग पहुँचाना है।